वेलकम वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 वी टेक टुडे साइंस चैप्टर 13 एंड टॉपिक ही यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। ठीक है, टाइम एंड स्पीड की जो यूनिट है वो क्या पढ़ना है वो देखना है। एंड दिस चैप्टर इज चैप्टर नेम इज मोशन एंड टाइम। ठीक है, जो आपका चैप्टर है ये मोशन एंड टाइम। तो इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट सम टॉपिक जो कि हमने इसमें बेसिक देख लिया था। अब देखिए इसमें यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, मतलब जो टाइम और स्पीड की जो यूनिट है, मतलब किस यूनिट में हम इसको डिनोट करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसको देखना है। देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, जो टाइम की बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। क्या लिखेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। और सेकेंड को डिनोट करते हैं स्मॉल एस, सेकेंड को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट्स सिंबल इज स्मॉल एस। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर, जो लार्जर यूनिट है वो मिनट एंड आवर है। ये स्मॉलर यूनिट है, बेसिकली ये स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट मिनट एंड मिनट एंड आवर। ठीक है, आवर से ही हो आवर लार्जर यूनिट है, जैसे किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर ये किसका यूनिट है, स्पीड का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम टाइम का देख रहे हैं, टाइम का यूनिट हमको क्या मिला, स्मॉलर यूनिट सेकेंड और लार्जर यूनिट मिनट एंड आवर। नाउ नेक्स्ट, यू ऑलरेडी नो दैट हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन ईच अदर, आप जानते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि बताया गया था आपको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये पहले आपको बताया गया। यू ऑलरेडी नो दैट। नाउ यू मस्ट रिमेंबर एंड बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड और जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, जैसे कि डिस्टेंस को, डिस्टेंस को अगर हम मीटर में डिनोट करते हैं मीटर, टाइम को सेकंड में डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट हुआ, स्पीड का। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर भी होता है। लेट सपोज अगर डिस्टेंस को हमने आवर में डिनोट किया तो डिस्टेंस का यूनिट लिखिए आवर अपॉन टाइम का यूनिट, सॉरी डिस्टेंस का यूनिट आप लिखिए डिस्टेंस का किलोमीटर, डिस्टेंस की
डिस्टेंस मीटर में होता है और किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो किलोमीटर के लिए km लिखेंगे अपॉन टाइम के लिए सेकेंड होता है और किलोमीटर के साथ आवर यूज करते हैं, किलोमीटर के साथ आवर यूज करते हैं। तो जब किलोमीटर रहेगा डिस्टेंस तो टाइम रहेगा आवर में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो एक आपको यूनिट मिला स्पीड का, ये तो हमको यूनिट क्या मिला, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मीटर के साथ हम टाइम सेकेंड में रखते हैं और किलोमीटर के साथ हम टाइम आवर में रखते हैं। तो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। आप जानते हैं कि जो यूनिट है, यूनिट का जो भी हम यूनिट लिखेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। मिनट्स सेकेंड्स नहीं लिखेंगे, आवर्स नहीं लिखेंगे, आवर। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर लिखते हैं, 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी यूनिट लिखेंगे वो यूनिट में लिखते हैं। नाउ जैसे कि अगर सेंटीमीटर लिखे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर। नाउ डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड, डिपेंडिंग ऑन द नीड। जैसा हमको जरूरत होता है उस हिसाब से हम यूनिट लिखते हैं और यूनिट चेंज भी करते हैं, ठीक है। वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नीड। फॉर एग्जाम्पल इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर। जैसे कि आपका एज है तो एज कन्वीनियंट होता है ईयर में बताने के लिए, ठीक है ना। मंथ में और डेज में बताने में और शो करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ईयर में हम आसानी से बता देते हैं। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज इन ईयर टाइम बिटवीन योर होम एंड स्कूल, ठीक है ना। देन द पल्स ऑफ नॉर्मल हेल्दी, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उनके पल्स, जो उनके अंदर पल्स चलती है, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हार्ट जो है ब्लड पंप करता है और फिर बाय अकॉर्डिंग दिस पल्स हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें ब्लड जो है फ्लो होता रहता है। तो बाय दिस पल्स आर कंटिन्यूड, पल्स जो है चलती रहती है। तो हेल्दी एडल्ट में जो हार्ट बीट है, जो पल्स है, वो बताया गया कि 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो यहां पर यूनिट क्या यूज हुआ, पर मिनट, एक मिनट में। तो दिस इज कन्वीनियंट टू शो द हार्ट बीट, द पल्स रेट इन द मिनट फॉर्म, ठीक है। तो 72 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन अ 10 सेकेंड, जिसको कि 12 टाइम्स इन सेकेंड, सेकेंड के फॉर्म में अगर लिखा हुआ हो। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अगर इसको आपको एक मिनट में 72 टाइम्स बार बीट होता है, अगर हमको देखना है कि एक सेकंड में कितनी बार बीट होता है, हम क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इन वन मिनट 60 सेकंड और 72 टाइम्स तो है, तो ये 72 टाइम्स तो है, मिनट को हम सेकंड में कर दिए,
तो एक मिनट में 60 सेकंड, ये क्या है 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 कर दीजिए आफ्टर द ट्यूब कट, तो ये हो गया कट कर दीजिए, जैसे कि 4 2 6 एंड 4 2 6 4 2 8 4 से नहीं जाएगा, क्लियर। यू कट डायरेक्टली 12 से काट सकते हैं, 12 5 60 एंड 12 6 70 दैट इज 6/5। नाउ यू चेंज इन डेसिमल, पॉइंट लगाया 0 एंड 5 5 ठीक है, 3.0 टाइम्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका मिनट में, ये आपका चेंज हो गया सेकंड में, ठीक है। तो दिस इज द हार्ट बीट ऑफ द नॉर्मल पर्सन, एडल्ट पर्सन, ठीक है ना। तो वी अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से यूनिट को हम चेंज कर लेते हैं बाय दिस मेथड। मिनट में था इसको हमने सेकंड में कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। नाउ मेरी टाइम measuring device were used in different parts of the world before the pendulum clocks. तो pendulum clock पहले time measure करने के लिए होता था, जिसमें एक pendulum जो है वो move करता रहता था। तो इस तरह से in by various types of watch, बहुत सारे watch आते हैं जिससे हम time को measure करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मेजरिंग स्पीड। तो मेजरिंग स्पीड स्पीड कैसे मेजर करते हैं, तो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर द मेजरिंग स्पीड, ठीक है। मेजरिंग स्पीड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने देखा मेजरिंग ऑफ टाइम एंड यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, ठीक है ना। टाइम की और स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट एंड यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्मॉलर यूनिट एंड दिस इज larger unit, and how to convert from one unit to the other unit, ठीक है। कैसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम चेंज करते हैं। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।